नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जोशी व्लॉग्स के नए वीडियो में, जिसका नाम है बेंगलोर टू कूर्ग। और हम शुरू करेंगे चैप्टर वन कुशाल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अंत में एक लाइक और शेयर जरूर करें। 16 अगस्त की सुबह सुबह को हमने ये सफ़र अपना शुरू किया था, जो नाइस रोड से होते हुए हम बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे पर आ गए, जो तकरीबन हमारा सफ़र 3.5-4 घंटे के आसपास था। वो घटकर अब सिर्फ 90 मिनट रह गया। तो ये जो है दोस्तों हमारा पहला टोल आ गया है। हम बिड़दी से चले थे और ये हमारा पहला टोल आया है मैसूर की तरफ, जिसका लगभग एक साइड का किराया जो है 165 रुपये है। और अगर आप एक ही दिन में टू एंड फ्रो जर्नी करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से लगभग 200-220 के आसपास पड़ेगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीसेंट इंक्रीज इन द टोल प्राइसेस एज पर द गवर्नमेंट। तो जैसे हम मैसूर के करीब आते जाते हैं, हमें बहुत सारे आदिवासी हेयर ऑयल, जो हिक्की पिक्की कम्युनिटी के हैं, बहुत सारे छोटे मोटे शॉप्स देखने को मिल सकते हैं, तो जो रोड के दोनों तरफ मिलेंगे आपको आते समय भी और जाते समय भी, जो आजकल रीसेंट ट्रेंड में है, जिसका फराह खान और संभावना सेठ ने और बहुत सारे लोगों ने मैसूर खुद जाकर उन्होंने प्रोक्योर किया है, परचेस किया है, और जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ऑफलाइन सिर्फ ये नंबर पे फोन करना पड़ता है, ये नंबर पे फोन करो, डायरेक्टली फोन करो, बात करो, व्हाट्सएप में एड्रेस भेजो और ये आपके यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी। तो दोस्तों आ गए हम अपने पहले स्टॉप में कुशाल नगर के निसर्गधामा बर्ड पार्क में, जिसका एंट्री फी जो है 200 रुपये पर हेड एज एन अडल्ट है, और 5 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। किसके साथ? कपड़े के साथ खेल रहा है, फंस गया। ये तो डरावनी लग रही, उठ के खड़ा मत हो जाना बस तू। हो गया, ये सारे डरावने लग रहे हैं यार, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या है? आई सजेस्ट निसर्गधामा बर्ड पार्क से अच्छा आपका प्राणी द पेट्स सैंक्चुअरी है, जहां हम प्रीवियस जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे पूरे वीडियो के साथ। आप जाके देखिए जरूर, यू विल डेफिनेटली लव इट। आपको वहां पे इगुआना देखने को मिलता है, यू विल सी मकाव, यू विल सी ईमू, ऑस्ट्रिच और बहुत सारे एनिमल। जैसे तैसे बर्ड पार्क से बाहर आने के बाद मैंने और अंशु ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। श्वेता ने लिया अमेरिकन कॉर्न और अथर्व ने लिया है सॉफ्टी आइसक्रीम। हमने साथ में 12D हॉरर शो भी देखा, जो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये था। ऑफ कोर्स वी नेगोशिएटेड। ये लो, ये लो, खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ ताकि वो हरी भरी पॉटी करे। तो
तकरीबन डेढ़ घंटा निसर्गधाम बर्ड पार्क में बिताने के बाद हम निकल चले हैं आधे पौने घंटे की नेक्स्ट ड्राइव मड़केरी की तरफ, जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। वहाँ पहुँचने के बाद हमने होटल में चेक इन किया, विच इज़ एट अक्षय होटल कुर्ग, जो मैंने booking.com से बुक किया है। होटल का लिंक और रिव्यू जो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चूँकि मैंने रूम टूर नहीं किया है। तो दोस्तों, आ गए हम अभी राजा सीट, जिसका एंट्री फी जो है सिर्फ 20 rupees है और पार्किंग हमको पड़ा है 40 rupees सिंस इट वॉज एन MG रोड। सो गाइस, अब हम आ गए हैं मड़केरी के ओंकारेश्वर टेम्पल, जो सिटी सेंटर से लगभग 3 से 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, सो इट इज ओनली प्योर डिवोशन। उसके बाद हम पहुंचे अगस्त्य कॉफी हाउस। मैंने ली सिग्नेचर कुर्ग ब्लेंड, मैंने ली हॉट कैपेचिनो और अंशु ने ली ओरियो मिल्क शेक। तो इस ठंडे ठंडे मौसम में हमने गर्म गर्म कॉफी का आनंद लिया और पहुंचे हम सीधा उडुपी होटल के पास, कॉफी कुर्ग ग्रीन या चोको कॉफी भी कहते हैं, जहाँ हमने कुछ परचेज करी, कुछ ऑथेंटिक मड़केरी चॉकलेट्स। इतनी खुशी, ये तो सर्विस। जो चौकी कुर्ग चॉकलेट शॉप है मड़केरी में, ये जस्ट अपोजिट टू KSRTC बस स्टैंड है, यहाँ मड़केरी के सेंटर में। तो यहाँ से हमने जो है होममेड चॉकलेट खरीदी है। पार्किंग थोड़ा बहुत मिलना मुश्किल था, बट हमें मिली। सो गाइस, चॉकलेट हमने खरीदी हैं और हमारा टोटल बिल हुआ है ऑलमोस्ट 1800, विच इज ऑफ स्पेशल फिलिंग्स। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सो गाइस, हियर वी एंड आवर डे वन व्लॉग। हम डिनर करने वाले हैं कैलाश पर्वत में, जो कि एक फाइन डाइनिंग वेज रेस्टोरेंट है। कैलाश पर्वत का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक क्रीम ऑफ टोमेटो सूप, क्रिस्पी कॉर्न बास्केट और एक 8 स्लाइस पिज़्ज़ा, और हमने एंड किया एक छोले भटूरे के साथ, जो बहुत ही बढ़िया।